हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस सिलेक्शन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों को आज यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में एक अलग लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि भाग एक से संबंधित है। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो यहाँ से किस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मेन्स के लिए, चलिए आइए उस पर डिस्कशन करते हैं एक बार, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सेशन को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो यहां पर बात आती है संघ एवं राज्य क्षेत्र की। बात किसकी आ रही है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की। तो जब हम संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, हम अपने संघ एवं राज्य क्षेत्र की जब बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहां पर हमारे इंडिया को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ये मुख्यतः विषय वस्तु जो है ये भाग एक की है, माफ कीजिएगा, भाग एक, ये विषय वस्तु जो है किसकी है? संविधान के भाग एक की है, जिसमें अनुच्छेद एक से लेकर के अनुच्छेद चार तक का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद एक से चार तक के बीच में संघ एवं राज्य से संबंधित अलग अलग नियमों को यहां पर रखा गया और उन्हीं का एनालिसिस हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात समझते हैं, जो भारत है या जो हमारा देश है, अनुच्छेद एक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे तो उसमें कई प्रकार के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जिसका टाइटल अगर हम देखें तो इसमें संघ का, अनुच्छेद एक का अगर हम टाइटल देखें तो हमें देखने को मिलता है संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो जब यहां पर बात आती है संघ का नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र की, तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे कि संघ का नाम क्या है। संघ का नाम, तो अनुच्छेद संघ के नाम के रूप में ध्यान रखेंगे, बार बार मैं शब्द संघ का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको अभी मैं परिभाषित करूंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे संघ के नाम के रूप में दो नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। और यहां पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई यहां पर ऐसा नाम नहीं दिया गया कि आप इसे हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया कहें। आप इसे हिंदी में भारत, हिंदी में इंडिया और इंग्लिश में भारत और इंग्लिश में इंडिया कह सकते हैं। तो भारत को दो नाम दिए गए हैं और शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। तो अब यहां पर संघ को हम लोग जरा देखें कि भारत अर्थात इंडिया तो हो गया नाम, जो कि आप यहां पर दिखा रहे हो, उसके राज्य क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए बात कही गई है कि ये जो नाम जो है, ये नाम भारत जो है, ये है कौन, इसका इंट्रोडक्शन यहां पर किया जा रहा है कि ये राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा हुआ। तो जब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा, जब ये बात यहां पर लिखी गई है, तो बात यह कि संघ क्या है, राज्यों का संघ का मतलब क्या है। यहां पर राज्यों का संघ, इसका क्या अर्थ है, राज्यों का संघ का यहां पर आप क्या अर्थ निकालना चाहते हैं, जरा उसको समझिए। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदर्भ लें, अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर हम इनकी मंशा को समझें, इनके विचारों को समझें अनुच्छेद एक में संघ को लेकर के, तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहले तर्क में उन्होंने कहा है कि भारत संघ जिसका नाम भारत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे संघ जिसका नाम क्या है, भारत है, राज्यों के बीच बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। पहली बात इन्होंने कही, इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत संघ है इसके अंदर जो अलग अलग राज्य बने हुए हैं, ये राज्य किसी शर्त के अनुसार नहीं जुड़े हैं। ध्यान रखना, ये केंद्र है, बाहरी पर जो परिसीमा आपको दिख रही है, और ये इनके अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। तो इन छोटे छोटे राज्यों को मिला करके इस संघ का निर्माण हुआ है, इस केंद्र का निर्माण हुआ है, लेकिन इस केंद्र में आने वाले ये राज्य किसी शर्त पर नहीं बंधे हैं। जैसे कि अमेरिका वगैरह में अगर आप देखो तो अमेरिका में जो ये राज्य हैं, ये राज्य किसी न किसी शर्त पर जुड़े हैं।
मसलन हर एक राज्य का अपना अलग संविधान है, मसलन हर एक राज्य का अपना एक गवर्नर है, गवर्नर है, या फिर अगर हर राज्य का गवर्नर जो है वहां की जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना गया, अमेरिका के संविधान की खूबसूरती बता रहा हूं मैं आपको, या फिर वहां पर राज्यों की अगर सीमाएं तय करनी है, राज्य की सीमा, तो राज्य की सीमा को तय करने से पहले केंद्र को राज्यों की परमिशन लेना आवश्यक है। मना करने पर राज्यों की सीमा और नामों परिवर्तन ना हो सकेगा। राज्यों की अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सब चीजें मैं अमेरिका के संदर्भ में बता रहा हूं। वहां पर लोगों की दोहरी नागरिकता है, एक आपकी राज्य की और एक केंद्र की है। वहां पर सिविल सेवाएं जो है वो संघ की ना होकर के संघ और राज्य दोनों की अलग अलग है, संघ और राज्य दोनों की अलग अलग सिविल सेवाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य का निर्वाचन जो है वो पृथक तरीके से होता है। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर कुछ शर्तों के साथ ये सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार के अंदर है लेकिन शर्तों के साथ कि भाई हम ये करेंगे, अपना अलग रहेंगे, अपना अलग पकाएंगे, अलग कमाएंगे, अलग खाएंगे। किसी विशेष परिस्थिति में भले हम आपका एक साथ देते हैं कि हाँ हम एक परिवार में रहते हैं, लेकिन रहेंगे हम अलग अलग, चूल्हा अलग अलग जलेगा। ये विशेषता जो है ये अमेरिकन संविधान की है। इसके विपरीत देखने में तो ऐसा ही भारत लगता है, पर वास्तविक रूप में ऐसा भारत नहीं है। भारत का संविधान में राज्यों के संविधान नहीं है, राज्यों के गवर्नर है लेकिन वो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज्यों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए राज्यों से पूछा जरूर जाता है लेकिन उनकी उनके दिए गए प्रस्तावों को मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। राज्यों की स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ नहीं है, न्यायपालिका राज्यों की है पर वो स्वतंत्र नहीं है, वो केंद्र के अधीन होकर के कार्य करती है, ठीक है, केंद्र के अधीन होकर के कार्य करती है। दोहरी नागरिकता का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग हैं लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अंदर आने वाले जो लोग हैं वो राज्यों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस प्रकार की सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती है। तो संघ का मतलब ये जो समझौता है ना बीच में राज्यों के साथ में, वो कोई समझौता नहीं है। बस राज्य किस लिए सेपरेट हैं, राज्य इसलिए सेपरेट हैं क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और जो विधायी शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण करने के लिए केवल राज्यों को बनाया गया है, जिससे कि जो प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको क्या किया जा सके, छोटे छोटे स्तर पर बांट करके उन्हें सुगम बनाया जा सके, क्योंकि केंद्र अकेले सारी व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए राज्यों का गठन किया गया है, ना कि राज्यों को स्वतंत्र करने के लिए राज्यों का गठन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से संघ के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टिकोण से ही अगर समझा जाए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भारत संघ के राज्यों को, भारत संघ में जो भी राज्य हैं, मतलब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भारत संघ में शामिल राज्यों को विलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, विलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना है किसी भी राज्य को, किसी भी बाह्य राज्य को अगर भारत में शामिल होना है तो ध्यान रखना पड़ेगा उसको अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ेगी और भारत की स्वतंत्रता में ही उसकी स्वतंत्रता निहित होगी। यानी वो अपनी मर्जी से संघ में, कोई भी बाहरी राज्य संघ राज्य में, केंद्र में, भारत राज्य में शामिल तो अपनी मर्जी से हो सकता है लेकिन अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। एक बार शामिल हो जाओगे तो भारतीय राज्य के ही रह जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, एक बात है। दूसरी बात, शामिल होने के लिए हम कोई शर्त नहीं रखते हैं कि आप आओ, इस शर्त आपकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी कि भैया हम भारत के साथ शामिल तो होना चाहते हैं लेकिन इन इन शर्तों के साथ, ऐसा नहीं किया जाए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के संविधान को एक तरीके से अगर हम देखा जाए, जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है इस संदर्भ में भारत के लिए एक अपवाद था अभी तक। और आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 से अगर देखा जाए तो ये जो अपवाद है ये भी समाप्त हो चुका है, अब वो भी पूरी तरीके से भारत संघ में शामिल है और उसे भी भारतीय संविधान के ही अंदर निहित रहना है, उसका कोई अलग से संविधान, अलग से झंडा मान्य नहीं होगा।
ठीक है। तो ये भारतीय संघ की विशेषता यहां पर आपको अनुच्छेद एक से देखने को मिल रही है, अनुच्छेद एक से देखने को मिल रही है। तो अनुच्छेद एक को एक एक चीज और अनुच्छेद एक चीज अनुच्छेद एक में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर संघ को तो हमने इन दो पॉइंट से परिभाषित कर दिया, ये और एक जो आगे स्लाइड में लिखा था वो नाम को भी मैंने यहां पर दिखा दिया भारत अर्थात इंडिया, लेकिन उसका राज्य क्षेत्र अभी बताना शेष रह गया है अनुच्छेद एक में। तो अनुच्छेद एक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र क्या होंगे, तो जब हम भारत के राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं, जब हम भारत के किसकी बात करते हैं, जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, राज्य क्षेत्र की, तो भारत के राज्य क्षेत्रों को तीन हिस्सों में डिवाइड करके रखा गया है अनुच्छेद एक के अनुसार अगर माना जाए तो। तीन श्रेणियां, तीन भाग है। पहला भाग राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र यानी भारत में जो भारत की जो टेरिटरी है वो स्टेट्स की टेरिटरी से मिलकर के बनी है, एक बात। दूसरा, पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित, पहली अनुसूची में वर्णित या विनिर्दिष्ट संघ शासित प्रदेश, जिनको आप यूनियन टेरिटरीज कह सकते हैं, यानी फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई यूनियन टेरिटरीज भी इंडिया की टेरिटरी में है, या फिर कल को इस तरीके का कोई ऐसा राज्य जो भारत में शामिल नहीं है, शामिल होना चाहिए, जिसे भारत एक्वायर कर सके, एक्विजिशन हो सके जिसका, तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा। यानी ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जैसे वर्तमान स्थिति में नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है, कल को नेपाल भारत का हिस्सा होना चाहे, तो वो नेपाल का राज्य क्षेत्र नेपाल का नहीं, भारत का राज्य क्षेत्र हो जाएगा। इससे साबित होता है कि स्वतंत्र भारत में राज्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है, भारत से अलग होकर के स्वतंत्र नहीं है, राज्य स्वतंत्र है किंतु भारत से अलग होकर के नहीं। तो कोई बाहरी भी शामिल होगा तो उसे भारतीय स्वतंत्रता के साथ मिलना पड़ेगा, स्वयं की स्वतंत्रता को उसको हटाना पड़ेगा। ये तो हो गया अनुच्छेद एक की बात। अनुच्छेद एक के बाद अगर हम अनुच्छेद दो की तरफ पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर टू की तरफ, तो यहां पर आपको नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित बातें लिखी हुई मिलेंगी। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, इन चीजों की बात करी गई है। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि राज्यों, मतलब जो अनुच्छेद दो है उसमें संसद के पास में ऐसी शक्ति है कि वे नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकता है, नए राज्यों के गठन की शक्ति उसके पास आ सकती है। ये सब चीजें आपको अनुच्छेद दो में देखने को मिलती हैं। और संसद ऐसे राज्य जो संघ का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल कर सकता है, ऐसे नए राज्यों का गठन कर सकता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, कुछ भी, मतलब इन तरीके की चीजों को करने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि नए राज्यों का प्रवेश, जैसे उदाहरण में अभी दे रहा था आपको नेपाल जो है, जैसे श्रीलंका, जैसे भूटान, ये सब देश यदि अगर चाहें भारत में शामिल होना तो संसद इन्हें नियम बनाकर भारत संघ में शामिल कर सकता है, भारत संघ में शामिल कर सकता है, ठीक है। और ऐसे शामिल होने वाले जो नए राज्य हैं इनका एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन अलग है एस्टेब्लिशमेंट अलग है। जैसे आप लोगों ने सिक्किम राज्य के बारे में देखा होगा, तो सिक्किम पहले भारत में उसने प्रवेश लिया और उसके बाद जो है उसने भारत में अपने आप को स्थापित किया। तो ये दोनों काम जो हैं आपको नए राज्यों के प्रवेश के साथ दिखाई दे सकते हैं। और जब भी कोई नया राज्य भारत में शामिल होगा तो या तो वो राज्य के रूप में शामिल हो सकता है, या फिर वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हो सकता है, नए राज्य या नए केंद्र शासित प्रदेश, या पूर्व स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
में विलय करा सकता है, विलय करा सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं नेपाल जो है वो उत्तराखंड से अगर जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि नेपाल को उत्तराखंड का हिस्सा बना दिया जाए, तो उत्तराखंड राज्य ही गिना जाए उसको। इससे इंडिया की टेरिटरी तो बढ़ जाएगी लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और जो यूके है, उत्तराखंड है, उसकी टेरिटरी भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको अनुच्छेद दो में देखने को मिलती है। अनुच्छेद तीन की अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है। ठीक है, और वर्तमान राज्य जो है, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमाओं और राज्य क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, अब इसका अधिकार भी आपको केंद्र को दिया गया है, ध्यान रखेंगे इसका अधिकार भी केंद्र को दिया गया है। मसलन आप ऐसे देखिए, आपने आंध्र प्रदेश को देखा, आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य गठित हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से गठित होने वाला नया राज्य तेलंगाना जो है ये नए राज्य का निर्माण का उदाहरण है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, निर्माण अलग है और प्रवेश स्थापना अलग है। ये प्रवेश और स्थापना करेंगे और ये निर्माण करेंगे, यहां पर ये निर्माण हो रहा है क्योंकि तेलंगाना की जो टेरिटरी है वो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी में शामिल है, बस उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये काम किया जा सकता है। या जो पहले से स्थित नाम है, राज्य है, जैसे उड़ीसा, ठीक है, तो उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा, ठीक है, तो ये करने की जो शक्ति है, जैसे उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया, तो ये राज्यों के नामों में परिवर्तन जो है ये भी अनुच्छेद तीन के अनुसार होता है। सीमाओं में परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं यूपी और यूके दो राज्य हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्य हैं, यूपी अभी भी बहुत बड़ा है और इस बात की समय समय पर चर्चा चलती रहती है कि इसे अन्य राज्यों में और ज्यादा विभाजित किया जाना चाहिए, तो हो सकता है यूपी ऐसा सोल्यूशन निकाले कि अपने आप को और छोटा कर दे और थोड़े और राज्य जो है वो उत्तराखंड को दे दिए जाए, थोड़े बहुत पहाड़ी इलाके जो भारत के यूपी के पास जो बचे हुए हैं वो भी पूरी तरीके से उत्तराखंड को दे दिए जाए। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो टेरिटरी है उसकी सीमाएं जो है, उसके राज्य क्षेत्र जो है, सीमा और राज्य क्षेत्र जो है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये काम भी किया जा सकता है। ये तीनों चीजें जो है वो नए राज्यों के प्रवेश निर्माण और प्रवेश निर्माण और सॉरी नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं और राज्यों के नाम क्षेत्रों में परिवर्तन आदि से संबंधित है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है अनुच्छेद तीन में कि जब संसद के शक्ति दी गई है तो संसद के ऊपर कुछ बाउंडेशंस भी लगाए गए हैं। संसद ऐसा कर तो सकता है, केंद्र ऐसा कर तो सकता है, लेकिन कुछ उसके ऊपर निर्बंधन भी लगे हैं। जैसे ये जो भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के जो भी परिवर्तन संसद कर रहा है, ये सब करने से पहले, पहला पॉइंट, ये सब करने से पहले इससे संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से होंगे, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं है तो नहीं होंगे। तो संसद में अगर आप पेश करने जा रहे हो इससे संबंधित कोई विधेयक तो पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा और उसके 14 दिन बाद आप संसद में पेश कर सकते हैं उसको। दूसरा पॉइंट यहां पर एक और देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति जो ये प्रस्ताव आया है, ये जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यों से सुझाव लेगा। अब कितना समय लगेगा सुझाव लेने की इसकी कोई समय सीमा नहीं है और ना ही सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये दो पॉइंट जरूर होने हैं तब जाकर के ये काम आगे संसद में क्रियान्वयन के रूप में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधानमंडल जो राज्यों की है वो प्रस्ताव के पक्ष में समय लेंगी, चर्चा करेंगी, केंद्र को इसका सुझाव देंगी, केंद्र को उसका सुझाव पसंद आए ना आए ये गलत बात है, अपनी मनमानी करने के लिए राज्य यहां पर, केंद्र जो है वो यहां पर बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा राज्यों से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
चौथा और अंतिम अनुच्छेद की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर अगर 4 की बात करते हैं, तो यहां पर अनुच्छेद 2 में जो बातें मैंने बताई आपको और अनुच्छेद 3 में जो बातें बताई मैंने आपको, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी कार्य जो संसद कर रही है वो सारे कार्य सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होंगी। मतलब क्या है, किसी भी नए राज्य का प्रवेश या पूर्व स्थित राज्यों से नए राज्यों का गठन करना, ये सब काम संसद करेगा, लेकिन इसके लिए किसी विशेष विधेयक को लाने की जरूरत नहीं है। और सबसे मूल बात, इस अनुसार प्रवेश करने वाले राज्य और क्षेत्रों और सीमाओं में होने वाले परिवर्तन से जो संविधान में संशोधन होगा, उस संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत माना नहीं जाएगा। मतलब उपर्युक्त हेतु, उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर मैंने लिखा है, उपर्युक्त हेतु संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ या नहीं? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सीमाओं का निर्धारण या विवाद वगैरह का जो हल है वो कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, और क्योंकि कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है और विधायिकाओं को इसमें आने की आवश्यकता नहीं है, यही कारण है कि इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक की सारी बातें आपको बता दी हैं। भारत एक संघ के रूप में कार्य करता है, भारत एक संघीय ढांचे को एक्सेप्ट करता है, जो कि अमेरिका की संघीय ढांचे के जैसा दिखता जरूर है लेकिन उससे अलग है। कई मामलों में भारत संघ है और कई मामलों में एकात्मक है, केवल केंद्र की चलती है, यह भी बात मैंने आपको बताई। जैसे कि आप देखिए, फेडरलिज्म की जो भावना होती है उसमें कोऑपरेशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और हमारे देश में सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन अक्सर आपको देखने को मिलेगा। केंद्र राज्य सह अस्तित्व की भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी। संघ तथा राज्यों के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्टिकल शेड्यूल नंबर 7 में आप देखोगे तो केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे की बात करी गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार की पावर या अन्य किसी विवाद को लेकर के कोई विवाद घटित होता है तो उसका निपटारा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का मतलब केंद्रीय न्यायपालिका, केंद्र सरकार नहीं, केंद्रीय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीजों से भारत के फेडरलिज्म की जो सुगंध है वो हमें देखने को मिलती है, सूंघने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भारत संघ में राज्यों का निर्माण करते समय वो राज्यों से परमिशन लेता है, सीमाओं में परिवर्तन करते समय राज्यों से बातचीत करता है, लेकिन उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि सारी शक्ति केंद्र के पास में है। अलग अलग राज्यों को उसके राज्य चलाने के लिए जो कह सकते हैं राज्यपाल दिए गए हैं, वो राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन है, तो अलग अलग राज्यों को राज्यपाल देकर के ऐसा लगता है कि राज्य अलग अलग चलाने की व्यवस्था की गई है, फेडरलिज्म की भावना वहां दिखती है, लेकिन वो सारे के सारे राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होंगे। इससे ये क्लियर होता है कि केंद्र के साथ झुकी हुई है शक्तियां, लोक सेवा आयोग राज्यों में भी है, केंद्रों में भी है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग या राज्यों में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लोग जाकर के काम कर सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के लोग केंद्र में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग सेपरेशन होते हुए फिर हमें एकात्मकता देखने को मिल रही है। तो पूरा भारतीय संविधान संघीय होने के साथ साथ एकात्मकता का भी प्रतीक है, ये हमको अच्छी तरीके से यहां पर दिखाई
दे रहा है। तो ये हमारा भारत का राज्य एवं क्षेत्र था। अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस कार्य में सहयोग करें। निःशुल्क ये कक्षाएं रखी गई हैं बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने के लिए, जितना संभव हो पा रहा है हमसे उतना कर रहे हैं। यदि अगर आपसे किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त हो सकता है तो उसके लिए बड़ा धन्यवाद होगा। सहयोग राशि देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं कि मैंने आपको नंबर्स दिए हुए हैं। और अगर आप मौद्रिक रूप में सहयोग राशि नहीं दे सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही सहयोग प्रदान करें, शेयर कर दें, रोज एक शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। अगर आपसे कोई धनराशि मैं नहीं ले रहा हूं, या आप अगर कोई धनराशि देने में सक्षम नहीं है लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए और वित्तीय संकटों को देखते हुए मैंने ये विचार किया था, आप प्रीवियस वीडियोज हमारे देख सकते हैं जिसमें मैंने लक्ष्य बताया था कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, तो अभी भी वही है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो और अच्छी चीजें कर सकते हैं, और एटलीस्ट सभी लोग शेयर और लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अंशदान होगा जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।